आज हम जिस देश की बात करने जा रहे हैं उस देश की बात ही अलग है। एक ऐसा देश जिसकी गिनती दुनिया के सबसे अमीर देशों में होती है, जहां पर कबूतरों को दाना डालना गैर कानूनी है और ऐसा करने पर आपको जुर्माना देना पड़ सकता है, जहां पर आप च्युइंगम नहीं चबा सकते, यहां पर लोग अपने बच्चों को गिफ्ट देने के लिए पेड़ों को गोद लेते हैं, जहां पर हर दिन 2 नए रेस्टोरेंट खुलते हैं और यहाँ पर अक्टूबर माह में सबसे ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं। यह एक ऐसा देश है जहाँ कई देशों के विभिन्न धर्म, भाषा, संस्कृति के लोग एकजुट होकर पूर्ण भाईचारे के साथ रहते हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही खूबसूरत देश सिंगापुर की, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। सिंगो का शहर कहा जाने वाला ये देश अपने प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यटक स्थलों के कारण दुनिया भर में मशहूर है। हर साल लाखों की तादाद में लोग यहाँ घूमने आते हैं। आइए इस खूबसूरत देश के बारे में कुछ रोचक बातें जानते हैं। सिंगापुर दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित है और ये एक साफ सुथरा और खूबसूरत देश है। इसकी राजधानी सिंगापुर सिटी है। यह शहर 710 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। यहाँ की जनसंख्या लगभग 7,21,155 है, जिसमें 33% बुद्धिज्म, 18% ईसाई, 14% मुस्लिम, बाकी अन्य धर्मों को मानने वाले रहते हैं। इस देश की मुद्रा सिंगापुर डॉलर है। इसकी राजकीय भाषा मलय है और इसके अलावा 4 आधिकारिक भाषाएं हैं, जिनमें मलय, अंग्रेजी, चीनी और तमिल है। 4 आधिकारिक भाषाओं के अलावा सिंगापुर के लोग 5वीं भाषा भी बोलते हैं, जो कि सिंगलिश है। सिंगलिश भाषा प्राचीन चीनी भाषा, मलेशियन और तमिल भाषा के शब्दों के मेल से बनी हुई है। यहाँ के लोग दुनिया में सबसे तेज चलने वाले पैदल यात्री हैं। यहाँ पर कबूतरों को दाना डालना गैर कानूनी है। यदि कोई ऐसा करता पाया जाता है तो उस पर $500 का जुर्माना लगाया जाता है। यहाँ के लोग अपने बच्चों के लिए जन्मदिन या शादी में गिफ्ट देने के लिए पेड़ों को गोद लेते हैं और उनका नाम भी रखते हैं। अक्टूबर के महीने में यहाँ सबसे ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं। आप यहाँ पर च्युइंगम नहीं चबा सकते, क्योंकि वर्ष 1992 से यहाँ च्युइंगम खरीदना बेचना गैर कानूनी है। यहाँ पर अगर आप सार्वजनिक शौचालय इस्तेमाल करने के बाद फ्लश नहीं करेंगे तो आप पर $150 का जुर्माना तक लगाया जा सकता है। सबसे ज्यादा लोगों द्वारा एक लाइन में लगकर डांस करने का रिकॉर्ड सिंगापुर के नाम है। 2002 में 11,967 लोगों द्वारा एक लाइन में डांस करके यह रिकॉर्ड बनाया गया था। सन 1965 में मलेशिया से अलग होकर सिंगापुर राष्ट्र का उदय हुआ था। मलेशिया से आजाद होने के लिए सिंगापुर को कोई युद्ध या लड़ाई नहीं लड़नी पड़ी। वास्तव में मलेशिया ने लोकतांत्रिक तरीके से मतदान द्वारा सिंगापुर को अलग कर दिया था। सिंगापुर शहर के नाम के पीछे भी एक कहानी है। 14वीं शताब्दी में सुमात्रा द्वीप का एक हिंदू राजकुमार शिकार के लिए सिंगापुर द्वीप पर गया और वहाँ शेर जैसे एक जानवर को देखकर उस द्वीप का नाम सिंगापुरा यानी सिंगो का द्वीप रख दिया। लेकिन वास्तव में सिंगापुर में शेर नहीं पाए जाते। यहाँ का राष्ट्रीय चिन्ह मेरलोयन है। ये आधा मछली और आधा शेर है, जिसे सिंगा कहा जाता है। सिंगापुर का राष्ट्रीय फूल वांडा मिस जोकोम है। सिंगापुर के इस पहले ऑर्किड हाइब्रिड फूल को 1893 में मिस एग्रेस जोकोमो द्वारा अपने बगीचे में लगाया गया था। 15 अप्रैल 1981 में राष्ट्रीय समिति द्वारा वांडा मिस जोकोम को राष्ट्रीय फूल का दर्जा दिया गया। सिंगापुर अमीरों का देश है। यहाँ हर 6 में से एक व्यक्ति के पास $1 मिलियन या उससे अधिक की संपत्ति है, जो दुनिया के अन्य देशों के लोगों की तुलना में कहीं अधिक है। ये एशिया के सबसे कम भ्रष्ट देशों में से एक है। वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार दुनिया के सबसे कम भ्रष्ट देशों में सिंगापुर दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर डेनमार्क है। दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों में सिंगापुर दूसरे स्थान पर है। सिंगापुर में 1000 के नोट के पीछे सिंगापुर का राष्ट्रगान माइक्रो टेक्स्ट में लिखा हुआ होता है। सिंगापुर को अर्थशास्त्री आधुनिक चमत्कार की संज्ञा देते हैं, क्योंकि यहाँ की संपूर्ण अर्थव्यवस्था शिपिंग पर आधारित है। यहाँ लगभग हर चीजें आयात की जाती है, जैसे पानी मलेशिया से, दूध, फल और सब्जियाँ न्यूजीलैंड से, और ऑस्ट्रेलिया से दाल, चावल व दैनिक उपयोग की वस्तुएं थाईलैंड, इंडोनेशिया आदि से आयात की जाती है। यहाँ की इमारतों के लिए अधिकतम ऊंचाई 280 मीटर निर्धारित है। कोई भी इमारत 280 मीटर से अधिक ऊंची नहीं हो सकती। दुनिया का सबसे बड़ा फव्वारा द फाउंटेन ऑफ वेल्थ सिंगापुर के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल सनटेक सिटी में है। 1997 में कांसे से निर्मित इस फव्वारे की लागत $6 मिलियन थी। सिंगापुर नाइट सफारी दुनिया का पहला नाइट चिड़ियाघर है। 35 हेक्टेयर में फैले हुए इस पार्क में 1000 से अधिक जानवर हैं।
सिंगापुर की 80% से अधिक आबादी सरकारी सहायता प्राप्त घरों में रहती है, जबकि सिंगापुर में घरेलू स्वामित्व दर 92% है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। यहाँ पर 3000 किलोमीटर से अधिक दूरी की सड़कें हैं। यदि उन्हें एक सीध में लाया जाए तो ये सिंगापुर और हांगकांग के बीच की दूरी को कवर कर लेगी। सिंगापुर में कार खरीदना आसान नहीं है। यहाँ कार खरीदने के लिए पहले ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना पड़ता है। हर महीने ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी द्वारा एक लक्की ड्रॉ निकाला जाता है, उसे ही कार खरीदने की अनुमति दी जाती है। अपनी कार पंजीकृत करवाने के लिए उसकी कीमत का 1.5 गुना भुगतान करना पड़ता है। यहाँ पर कार ओनरशिप रेट मात्र 11% है। यहाँ पर सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर $1000 का जुर्माना है, साथ ही जेल की सजा भी हो सकती है। यहाँ पर बिना किसी अनुमति के किसी दूसरे के वाईफाई का इस्तेमाल करना या दूसरे शब्दों में वाईफाई चुराना गैरकानूनी है। ऐसा करने पर $10,000 का जुर्माना लगता है। ब्रिटेन में रहने वाला सिंगापुर का नागरिक ब्रिटेन के चुनाव में वोट डाल सकता है। हाई स्कूल की पढ़ाई समाप्त करने के बाद सिंगापुर में सभी पुरुषों के लिए 2 साल की सैन्य सेवा अनिवार्य है। यहाँ पर हर 10 में से 8 व्यक्ति के पास सेल फोन है। नया नंबर जारी करने के लिए यहाँ टेलीकॉम कंपनियाँ 30 से लेकर 40,000 रुपए प्रति माह तक वसूल करती है। चाइना टाउन में स्थित कॉम्प्लेक्स फूड सेंटर पूरे सिंगापुर का सबसे बड़ा हॉकर सेंटर है। यहाँ 260 से अधिक फूड स्टॉल हैं। सिंगापुर में अब तक का सबसे कम तापमान 19.4 डिग्री सेल्सियस था, जो 31 जनवरी 1934 को रिकॉर्ड किया गया था। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।